अस्सलाम वालेकुम। चैनल इंडियन दस्तरखान में आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन के बचे हुए शीरे से सूजी का हलवा। ये देखिए गुलाब जामुन मैंने बनाए थे, उसमें ये शीरा थोड़ा बच गया था, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। यही शीरा डालकर हम सूजी का हलवा तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होगा। ये देखिए मैंने 200 ग्राम सूजी ली है और ये मैंने 150 ग्राम होममेड देसी घी लिया है। ड्राई फ्रूट ले लिया है मैंने, काजू और बादाम, इसको हम कट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाना। कढ़ाई फ्लेम पे रखेंगे, इसमें हम घी डालेंगे पहले। घी हमारा गर्म होगा तो इसमें हम सूजी को डालकर थोड़ा कलर हो जाने तक इसको हम भूनेंगे। फुल फ्लेम पे ही इसको हम चलाते हुए कलर चेंज हो जाने तक भूनेंगे। इसमें थोड़ा घी हम 1 चम्मच और ऐड कर लेंगे। ये देखिए लाइट गोल्डन फ्राई इसको हम होने तक इसी तरह से भून लेंगे। फुली फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, उसके बाद बाकी बचा हुआ पानी डाल देंगे। फ्लेम को पहले हम यहाँ पे लो कर देंगे, बिल्कुल लो ही फ्लेम पे हम पानी को डालेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे। मिला देंगे। अब हम इसमें गुलाब जामुन का बचा हुआ शीरा डालेंगे, सारा डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अब हम यहाँ पे हाई कर देंगे और जो बाकी पानी बचा हुआ है ये डाल देंगे हम। अब इसको हाई फ्लेम पे हम पका लेंगे। ये देखिए बस थोड़ा ही पानी मैंने बचाया है, इसमें उबाल आ गई है। लो फ्लेम कर देंगे, लो फ्लेम पे थोड़ी देर हम इसको पकने देंगे। ये देखिए तैयार हो गया हमारा सूजी का हलवा। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें कटे हुए काजू डाल देंगे और बादाम। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रोस्ट भी कर सकते हैं, मगर मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने इसको फटाफट से तैयार कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार है। इसको अब हम सर्व कर लेंगे, डिश आउट कर लेंगे इसको हम। ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें हम जाफरान केवड़ा वाटर के साथ डाल देंगे। ये देखिए कितनी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।